लोकसभा निर्वाचन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जिले में तैयारी जारी है। इसी का जायजा लेने आज कलेक्टर मतदान केंद्र पहुंचे थे। यहां उन्होंने मतदान के लिए विकसित की गई सुविधाओं का जायजा लिया। कलेक्टर के साथ निगम कमिश्नर सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने मतदान केंद्रों में पहुंचकर सफलतापूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्रों में की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं जैसे रैंप, लाइट, शेड सहित अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने बताया कि आज मेरे द्वारा निगम कमिश्नर के साथ मिलकर सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। गर्मी के मौसम को देखते हुए मतदान केंद्रों पर खास व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर छाया के लिए शेड, पीने के लिए ठंडा पानी, वहीं वोटरों के बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की जा रही है। गर्मी से बचने के लिए नगर निगम से इस बार मतदान केंद्रों पर आम जनता व मतदान कर्मियों के लिए कूलर की भी व्यवस्था करवाई जा रही है। कलेक्टर के साथ मौजूद निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने बताया कि आगामी चुनावों में निगम का पूरा प्रयास है कि मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। निगम द्वारा मतदान केंद्रों पर पीने के पानी, शौचालय, कूलर व धूप से बचाव के लिए शेड तथा मतदान कर्मियों के लिए ORS जैसे तमाम चीज़ों की व्यवस्था की गई है। देखिए, सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण मेरे और कमिश्नर नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। चूँकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की दिशा में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और इस समय चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसके लिए विशेष इंतज़ाम किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि जो आम वोटर है उसको यहाँ पर आने में कोई परेशानी न हो और जब वो यहाँ पर आए तो उसको बहुत ही सुविधापूर्वक हम लोग वोट डलवा सकें। इसलिए जो मेरे और कमिश्नर नगर निगम के द्वारा जो दौरे किए जा रहे हैं उनमें ये चीज़ रेखांकित करी जा रही है। टीम को निर्देशित किया जा रहा है कि जितने भी बूथ हैं उन सभी में छाया की बहुत अच्छी व्यवस्था रहनी चाहिए। अगर बड़ा सा कोई ग्राउंड बीच में है तो पूरा का पूरा ग्राउंड ही जो है वो कवर होना चाहिए टेंट से, और उसके साथ साथ जो कुर्सियों की बैठने की व्यवस्था है वो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। केवल वो सांकेतिक नहीं होनी चाहिए, अच्छी खासी संख्या में हम लोग कुर्सियाँ डालें जिससे कि जो लोग भी आएँ उनको बहुत ही व्यवस्थित रूप से बैठने का, रेस्ट करने का मौका मिले, जिससे कि उनको समस्या न हो। पीने के पानी के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था रहे, इस संबंध में भी नगर निगम के द्वारा तैयारियां ऑलरेडी करी जा रही हैं। सभी को ठंडा पानी पीने की व्यवस्था रहेगी और इसके अलावा नगर निगम से इस बार कूलरों की भी व्यवस्था कराई जा रही है, और जो अंदर लोग हमारे मतदान कर्मी हैं उनके लिए भी और ख़ासतौर पर जनता के लिए जो बाहर खड़ी हुई है उसके लिए कूलरों का इंतज़ाम इस बार किया जा रहा है, जिससे कि गर्मी से उनको राहत मिल सके। देखिए, माननीय कलेक्टर सर और जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं और सभी मतदान केंद्रों पर उचित व्यवस्था हो, हमारे नागरिकों को बिल्कुल दिक्कत ना हो, जो भी वोटर्स आएँ उनको पूरी सहूलियत रहे, तो शेड की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, पीने के अच्छे पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, जहाँ चीज़ें दुरुस्त नहीं उसको दुरुस्त भी करा रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि चूँकि गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है और हम लोग अपनी टीम जो पोलिंग दल है उनकी व्यवस्था भी ये कर रहे हैं कि उनके साथ भी कुछ पर्याप्त ORS किट और ये सारी चीज़ें रहे ताकि उनको भी दिक्कत ना हो और जो भी नागरिक आएंगे, जो वोटर्स आएंगे हमारे, उनके लिए भी अच्छी व्यवस्था करेंगे हम लोग। बहरहाल, इंदौर के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है ताकि मतदाताओं को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। इंदौर से राजीव, टाइम्स की रिपोर्ट।